बात करते हैं मकर राशि और मकर राशि वाले इस समय सर्वाधिक समस्या के अंदर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एकदम से उनकी 100 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी परेशानी में आ गई। उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी, वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कल्पनाएं कर रहे थे और एक के बाद एक चीजें उनके उनके उनको सामने से आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई और चीजें उनके काबू से बाहर होती चली गई। ऐसी स्थिति के अंदर मकर राशि वालों को इस बात का ख्याल करना है कि इसको सामान्य होने में भी समय लगेगा आपके लिए, तो बहुत धीरज से वेट एंड वॉच की स्थिति लेनी है। अगर आपको इनिशिएटिव लेने हैं तो धीरे धीरे लेने हैं और एक बात का ख्याल करना है कि टेक्नोलॉजी वो चीज होगी कि जो आप खोज लेंगे, खोजपूर्ण आपकी प्रवृत्ति बहुत आपको लाभकारी स्थितियों तक लेके जाएगी। तो आप ऐसा रास्ते खोजें जो न सिर्फ आपको शॉर्टकट्स या कोई बहुत इनोवेटिव चीज जो आपको तो ऊंचाई तक पहुंचाए, दूसरों को भी रास्ता दिलाए। तो इसके अंदर आपकी भूमिका बड़ी हो सकती है, दुनिया को राह दिखाने वाली हो सकती है। आप मेडिसिन के क्षेत्र में हो, आप टेक्नोलॉजी, आप अगर चाहे व्यवसाय चाहे कोई छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री छोटा सा छोटा मोटा व्यवसाय आप करते हो, तो भी हर हाल में आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और निराश बिल्कुल नहीं होना है। बहुत बड़ी चीज भी अगर आपकी छोटी होगी, कल आपके हाथ में 100 ग्राहक थे और आज आपके पास अगर 10 ग्राहक है तो भी आपको चिंतित नहीं होना, आपको तब भी चिंतित नहीं होना जब आपका जॉब जा रहा हो, क्योंकि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है श्रम करने की क्षमता और सबसे दृढ़ इरादे, टिके रहने की आपकी इच्छा शक्ति। ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी या श्रम करने की क्षमता है, तो आपको आपको कौन हरा सकता है। तो धीरे धीरे आप वापस उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, निराश ना हो, क्योंकि आप अगर श्रम साध्य लोग और जो इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, अगर ये निराश हो गए, ये चुपचाप जाके अपने घरों में बैठ गए, तो इस सिस्टम को, इस पहिए को चलाएगा कौन। तो आप वो लोग हैं जिस पूरे सिस्टम को चलाने वाले हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो, चुप होकर के ना बैठे, अपनी कार्य क्षमताओं को बहुत अच्छे तरीके से काम में लें। खुद काम में नहीं ले सकते तो दूसरों को सुपुर्द कर दें, जो आगे इनिशिएटिव लेने वाले लोग आपको दिख रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको काम में लेना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता और अपनी दक्षता उनके सुपुर्द करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप चाहें तो अनाज यानी गेहूं और मूंग इसका दान कर सकते हैं, इसको करने से आपके पास उपलब्ध संसाधन है, तो इसका दान करके आपको आप अपने लिए आने वाले भविष्य के लिए बेहतर स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पुराने कपड़े और जूते चप्पल आप दान करके इससे भी आपको राहत मिल सकती है। आप तेल का दान करेंगे तो इससे भी आपको राहत